नमस्कार, मैं हूं संतोष गंगवार। आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, इस आधे घंटे में हम आपको सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे बल्कि खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले झट से जान लेते हैं आज की चार बड़ी खबरें। पहली खबर है आरक्षण पर क्रेडिट पॉलिटिक्स को समझाएंगे। कोटे में कोटा क्यों नहीं चाहते हैं नेता, ये दूसरी खबर रहेगी। संविधान को तो समझिए नेताजी, ये भी आपको समझाएंगे। किस नेताजी के बारे में ये हम कह रहे हैं, बीजेपी के मिशन 2025 को भी आपको समझाएंगे। तो तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर एक बार फिर से जातीय जनगणना और बिहार में बढ़े हुए आरक्षण पर क्रेडिट लेने की कोशिश की है। तेजस्वी के पोस्ट पर सियासत तेज है, जेडी और बीजेपी ने क्रेडिट पॉलिटिक्स का आरोप लगाया है। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। चुनाव में भले ही कई महीनों की देरी हो, क्रेडिट पॉलिटिक्स अभी से तेज हो चुकी है। क्रेडिट की यह सियासत जातीय गणना और बिहार में बढ़े आरक्षण के मुद्दे पर हो रही है और आरोप आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर एक बार फिर जातीय गणना, बिहार में बढ़े हुए आरक्षण पर क्रेडिट लेने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, जातीय गणना के लिए आरजेडी ने कठिन संघर्ष किया। महागठबंधन की सरकार में जातीय गणना हुई, 17 महीने में जातीय गणना कर आंकड़े प्रकाशित किए, आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75% कर दिया, केंद्रीय गृह मंत्री से 9वीं अनुसूची में डालने का आग्रह किया। एनडीए सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया, डबल इंजन सरकार बनने के बाद भी प्रयास नहीं हुए, नई आरक्षण सीमा से लाखों लोग वंचित रह जाएंगे, पिछड़े अति पिछड़े एससी एसटी के लोग वंचित रह जाएंगे। बीजेपी जेडीयू आरक्षण सीमा को 9वीं अनुसूची में डाले, देश में जातीय गणना करवाए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, ये सब सत्ता के मजे ले रहे हैं। तेजस्वी यादव के पोस्ट पर जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने पलटवार किया। विधानसभा में नीतीश कुमार जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि ये नवी सूची में जाए ताकि जुडिशियल रिव्यू का हिस्सा न बने। वही बीजेपी के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने कुछ नहीं किया, आज खड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। लंबे काल तक उनके सरकार राज्य में रही और केंद्र में रही, अगर बहुत ज्यादा उनके मन में ममता था या उनके जो कांग्रेस लीड पार्टी जो यूपीए था तो उस समय क्यों नहीं आरक्षण का दायरा बढ़ाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर बिहार में जातीय गणना सर्वसम्मति से कराई गई, इसमें सभी पार्टियों की रजामंदी थी। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास हुआ और बढ़े हुए आरक्षण की जुडिशियल रिव्यू ना हो इसके लिए बिहार सरकार 9वीं अनुसूची में डालने का प्रस्ताव केंद्र के पास भेज चुकी है। बावजूद इसके तेजस्वी यादव के इस मुद्दे को बार बार उठाने को क्रेडिट पॉलिटिक्स का हिस्सा माना जा रहा है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आरक्षण पर क्रेडिट पॉलिटिक्स को समझिए। बिहार में विधानसभा का चुनाव अगले साल है और चुनाव में नेताओं को जनता के पास जाना होता है। 2025 में विधानसभा चुनाव है बिहार में और जनता के पास नेता जाते हैं, अपनी उपलब्धियों और विरोधियों की खामियों को गिनाते हैं। हमारे देश में आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, आरक्षण का लाभ एक बड़े वर्ग को मिलता रहा है, आरक्षण से नौकरियों और पढ़ाई लिखाई में मदद मिलती है। यही वजह है कि आरक्षण के मुद्दे पर वोटों का ध्रुवीकरण होता रहा है और जो पार्टी और नेता आरक्षण के मुद्दे को भुना लेता है उसे वोट का बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। तेजस्वी यादव भी आरक्षण के मुद्दे को जोर शोर से इसीलिए उठा रहे हैं। तेजस्वी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जातीय गणना उनकी वजह से हुई है और बिहार में जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है वो भी उन्हीं की देन है। लेकिन सत्ता पक्ष के नेता इस कवायद को तेजस्वी की क्रेडिट पॉलिटिक्स का नाम दे रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, जब आरजेडी सत्ता में थी तब आरक्षण का क्या हुआ था? एससी एसटी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विरोध जताया और चिराग पासवान ने कहा कि हमारी पार्टी इससे सहमत नहीं है। बाकी पार्टियों के नेता भी अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से बयान दे रहे हैं।
इसी पर पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को भी समझाएंगे। SC/ST रिजर्वेशन में कोटे के अंदर कोटे बनाने और क्रीमी लेयर लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत थम नहीं रही है। LJP-RV के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विरोध जताया है। चिराग पासवान ने कहा है कि हमारी पार्टी इससे सहमत नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि जिस तरीके से ये ऑब्जर्वेशंस आई हैं, उसमें जरूर बदलाव होने चाहिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं। चिराग के बयान का RJD सांसद मनोज झा ने स्वागत किया। मनोज झा ने मांग की है कि सरकार विधेयक लाकर इसे प्रोटेक्ट करे या अध्यादेश लाए। उसके मद्देनजर मैं समझता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कहीं ना कहीं चूक हुई है इस पूरी परिपाटी को समझने में, और मुझे बहुत खुशी है कि चिराग जी ने बोला। वहीं SC/ST पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि इस फैसले की समीक्षा की जरूरत है। SC/ST में जिसकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आज भी 1.7 से ऊपर नहीं है और वहाँ भी क्रिमिलियर की बात होगी, तो निश्चित रूप से एक समीक्षा की जरूरत है और उस पर अध्यादेश लाने की जरूरत है। SC/ST रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मचे घमासान के बीच BJP नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी नहीं कर सकता। माननीय न्यायालय के विषय पर हमको कोई कमेंट नहीं करना है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू करने की भी बात कही है। कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार से दिल्ली तक सियासत गरमाई है और नेता अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से बयान दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18। कोटे में कोटा क्यों नहीं चाहते नेता, ये भी समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने SC/ST कोटे में कोटे को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू करने की बात भी कही है, लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। कई राजनीतिक दल के नेता इस फैसले को सही नहीं मान रहे हैं। इन नेताओं का तर्क है कि SC/ST आरक्षण जिस उद्देश्य से दिया गया था वो पूरा नहीं हुआ है। नेताओं का कहना है कि SC कैटेगरी में सब कैटेगरी बनाना ठीक नहीं होगा। पप्पू यादव ने कहा कि आज भी दलित समाज के लोग छुआछूत जैसे भेदभाव झेल रहे हैं। अब सवाल है कि SC/ST कोटे में कोटा क्यों ना हो, क्योंकि आरक्षण का उद्देश्य सभी वर्गों को आगे बढ़ाना है ताकि असली समानता हासिल की जा सके, और यही एक लक्ष्य भी था कोटा देने का। कोटे में कोटा के बगैर वंचित जातियों के लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, यानी जिन जातियों को आरक्षण का समुचित लाभ अभी नहीं मिला उन जातियों के लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। झारखंड की सियासत का रुख करेंगे। झारखंड विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन ने डेमोग्राफी और घुसपैठ के मुद्दे पर बिना बिहार का नाम लिए बिहार के लोगों के लिए ऐसी बात कह दी जिससे सियासी बवाल मच गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि BJP डेमोग्राफी चेंज की बात करती है। इन लोगों से पूछे कि रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर में आबादी किसने बढ़ाई। हेमंत सोरेन के बयान पर बिहार के नेताओं ने नाराजगी जताई है। बड़ा सवाल है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों से बिहार के लोगों की तुलना क्यों हो रही है। एक रिपोर्ट। रांची में पॉपुलेशन किनके वजह से बढ़ा है, धनबाद में किसके वजह से बढ़ा है, जमशेदपुर में किसके वजह से बढ़ा है, बोकारो में किसके वजह से बढ़ा है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा गरमाया हुआ है। डेमोग्राफी चेंज और बांग्लादेशी घुसपैठ पर उठ रहे सवालों के बीच ये बड़ा बयान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है, वो भी विधानसभा में दिया गया। हेमंत सोरेन ने बिना बिहार का नाम लिए ऐसी बात कह दी जिससे सियासी बवाल मच गया। आवागमन जो है इस तरीके का अध्यक्ष महोदय, या तो हवा से होता है, या तो पानी से होता है अध्यक्ष महोदय, या तो जमीन से होता है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि रांची में पॉपुलेशन किनकी वजह से बढ़ा है, धनबाद में किसकी वजह से बढ़ा है, जमशेदपुर में किसकी वजह से बढ़ा है,
बोकारो में किसकी वजह से बढ़ा है। जो विषय ये लेकर आते हैं, घुसपैठिए बांग्लादेशी। सीएम हेमंत सोरेन ने बिहार के लोगों का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा बिहार के लोगों की तरफ ही था, क्योंकि झारखंड में बिहार के लोगों की बड़ी आबादी है और इंडिया अलायंस के नेता बिना नाम लिए बिहार के लोगों की तुलना बांग्लादेशियों से करते हैं। इससे पहले कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की तुलना बिहार से कर दी थी। शिल्पी नेहा तिर्की का बयान भी सुन लीजिए। इन लोगों ने यहाँ के आदिवासी मूलवासी को कहीं कोना खोमचा स्लम्स में ढकेल के रख दिया है। डेमोग्राफी चेंज का यहाँ क्यों नहीं बात करते? रामगढ़ में आज मुखिया कौन बनता है? बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आके। उस वो सब चीजें नहीं दिखती हैं इनको। शिल्पी नेहा तिर्की और हेमंत सोरेन के बयान पर बिहार में सियासी माहौल गर्म है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम हेमंत सोरेन पर वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि जो लोग बिहार की तुलना बांग्लादेशी घुसपैठियों से कर रहे हैं, वे भारत के नागरिक नहीं हो सकते। एकदम ये तुष्टिकरण है। तुष्टिकरण के चक्कर में बांग्लादेशी हिंदुस्तानी नहीं हो सकता है। इसको 1947 में ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो चुका है, अब कौन है उसको हिंदुस्तानी बना सकता। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने हेमंत सोरेन को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करने की नसीहत दी। इस भाषा को तो महाराष्ट्र में, पंजाब में और कई जगहों पर लोग बोल करके बिहारियों का अपमान करते रहते हैं। हेमंत सोरेन को इससे दूरी बचा गया। सवाल है कि झारखंड में बांग्लादेशियों से बिहार के लोगों की तुलना क्यों हो रही है? क्योंकि झारखंड भारत का हिस्सा है और संविधान बिहार समेत देश के हर नागरिक को किसी भी राज्य और क्षेत्र में बसने की इजाजत देता है, लेकिन बांग्लादेशियों को नहीं। न्यूज 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार, पटना से आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए अब पूरी खबर को ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। झारखंड में बिहार के लोगों की अच्छी खासी तादाद है और ऐसे में इस तरह के बयान के क्या मतलब हैं? पहले बिहार और झारखंड एक ही राज्य था, सब जानते थे। 2000 से पहले बिहार झारखंड एक ही राज्य था। बंटवारे के पहले जो बिहार के लोग वहां पर बसे हुए थे, चूंकि एक ही था तो रोजी रोटी के लिए झारखंड में वो लोग बस गए थे और इसीलिए वो वहां पर ही अभी रह रहे हैं। किसी का बिजनेस वहां पर चल रहा है, कोई वहां पर नौकरी कर रहा है। बिहार के व्यापारियों की अच्छी खासी तादाद भी वहां पर है, जैसा मैं बता रहा हूं कि बिजनेस उससे पहले लोग करते थे। बिजनेस अचानक से आप अपना इधर से उधर नहीं करते हैं। झारखंड में बिहार के लोग अच्छी खासी तादाद में वहां बिजनेस करते हैं। सरकारी कर्मचारियों की भी अच्छी खासी तादाद है और यही वजह है कि इस तरह की सियासत हो रही है। बंटवारे के वक्त झारखंड कैडर चुना गया था और उन्होंने इस कैडर को चुना था। रांची और धनबाद में अच्छी खासी आबादी बिहार के लोगों की है और इसीलिए जमशेदपुर और बोकारो में भी अच्छी खासी आबादी बिहार के लोगों की है और इसीलिए इस तरह की जो सियासत है वो हो रही है। यानी झारखंड में बिहार के लोगों के रहने की तुलना बांग्लादेशियों से करना ठीक नहीं है, फिर भी ऐसा होता है। ऐसे में संविधान के जरिए समझना जरूरी है कि देश में नागरिकों के आने और जाने और बसने को लेकर संविधान क्या कुछ कहता है। भारत का संविधान देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार देता है। इसमें भारत में किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता भी शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ई) के अनुसार ये अधिकार सबको मिलते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार है। इस प्रावधान का उद्देश्य देश के भीतर या किसी विशिष्ट हिस्से में आंतरिक बाधाओं को दूर करना है। इस प्रावधान का उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। यानी बिहार के लोग देश के किसी भी हिस्से में, ना सिर्फ झारखंड में बल्कि देश के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, बस सकते हैं। बिहार के लोग देश के किसी भी जगह पर व्यवसाय कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, जबकि देश के बाहर के लोगों को यह अधिकार नहीं मिले हुए हैं। आरोप है कि पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहुत से बांग्लादेशी आकर बस गए हैं। बीजेपी आरोप लगाती है इससे झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है, भौगोलिक स्थिति बदल रही है। इस आरोप पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा में बयान दिया, वो बयान हमने आपको सुनाया और बिना बिहार का नाम लिए बिहार के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। यह बताने की कोशिश की गई कि बिहार के लोगों की वजह से झारखंड के कई शहरों की डेमोग्राफी यानी कि भौगोलिक स्थिति बदल गई है।
अब सवाल यह है कि बांग्लादेशियों से बिहार के लोगों की तुलना करना क्या ठीक है, क्योंकि बिहार इसी देश का हिस्सा है। कभी झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, जबकि बांग्लादेश एक अलग देश है जो 1947 में ही बट गया था पाकिस्तान, और उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश की अलग कहानी है। जिनको हिंदुस्तान में बसने की संविधानिक इजाजत नहीं है, बांग्लादेशी भारत में आकर नहीं बस सकते हैं, ये उनको संविधान इजाजत नहीं देता है, और इसमें इस तरह की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। पटना के बीजेपी ऑफिस में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव की तैयारियों पर मंथन हुआ। मतलब यह कि बीजेपी मिशन 2025 में जुट गई है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी जिसकी सालों भर कोई ना कोई बैठक चलती ही रहती है। शनिवार को पटना के बीजेपी ऑफिस में एक बड़ी बैठक हुई। बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की यह बैठक कई मायनों में खास रही। मिशन 2025 में जुटी बीजेपी की इस बैठक में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े समेत प्रदेश के बड़े नेता मौजूद रहे। इस बैठक में बिहार विधानसभा उपचुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मंथन हुआ कि कैसे 2025 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएं। घर की पार्टी नहीं है, कोई व्यक्ति की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी संगठन की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो हम हर निर्णय बैठक के माध्यम से लेते हैं और उस बैठक के माध्यम से लिए निर्णय को नीचे जमीन तक उतारते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव है। ये सीट है तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज। इसमें 2 सीटें तरारी और रामगढ़ से बीजेपी, जबकि बेलागंज से जेडीयू और इमामगंज से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के चुनाव लड़ने की उम्मीद है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में 4 सीट पर होने वाले उपचुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। 4 सीटों पे उपचुनाव भी होने वाले, 4 के 4 जीतेंगे और आगे 2025 में 220 से ज्यादा जीतेंगे। बीजेपी के अंदर तेज हुए बैठकों का ये दौर बताने के लिए काफी है कि पार्टी मिशन 2025 में जुट गई है और लक्ष्य रखा गया है ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और बीजेपी के मिशन 2025 को भी समझ लीजिए। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। 2020 के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। 2024 का रिजल्ट 2019 के मुकाबले थोड़ा कमजोर रहा। बीजेपी 2025 में 2020 से भी बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है। यही वजह है कि अभी से बैठकों का दौर तेज कर दिया गया है। 2025 के चुनाव को लेकर मंथन तेज हो गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीते, और इसके अलावा कुछ दिनों में ही होने वाले 4 सीटों पर उपचुनाव को जीतने पर भी रणनीति बनाई गई है। वैसे भी बीजेपी को कार्यकर्ताओं और सालों भर तैयारी करने वाली पार्टी के रूप में देखा जाता है। ऐसे में इस जो तैयारी चल रही है इसको भी उसी तरह से देखा जा रहा है। बात मानसून की करेंगे। अब जरा मानसूनी बारिश के बाद पैदा होते हुए हालातों को भी देख लीजिए। मानसून की लगातार हो रही बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। बारिश ने राजधानी रांची के सबसे ऊंचे हुंड्रू फॉल की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। हुंड्रू फॉल में स्वर्णरेखा नदी 322 फीट की ऊंचाई से गिरती है। स्वर्णरेखा नदी में आए बहाव और उफान में हुंड्रू फॉल का नजारा बेहद दिलकश होने के साथ साथ भयावह भी नजर आ रहा है। तो जोनहा और सीता वाटरफॉल की खूबसूरती भी लोगों के लिए मन मोह देने वाली है। तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ बारिश ने रांची के सबसे ऊंचे हुंड्रू फॉल की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए, दूसरी ओर राजधानी रांची के ड्रेनेज सिस्टम की पोल पिछले 48 घंटे की बारिश ने खोल दी है। रांची में नदी और ड्रेम साइड इलाके की आबादी पानी के इस कहर को झेल रही है। ऐसे में सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने पिछली सरकार को इसके लिए दोषी बताया है। तो खबर तो समझिए, मैं आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।